नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी हमें ये पटना के कोलकाता बिरयानी है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जो है एक दिन में लगभग 300 से 350 kg ये चिकन बिरयानी निकल जाता है। लगभग 1000 प्लेट 800 से 900 प्लेट चिकन बिरयानी यहाँ सेल होता है। तो यहाँ का रेसिपी भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे ये बनाते हैं सारा कुछ, और यहाँ चिकन बिरयानी टेस्ट करेंगे और आप तक स्वाद पहुँचाएँगे। तो ये देखिए चिकन बिरयानी के लिए कितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आलू को तैयार किया जाता है। ये लगभग कितना आलू है? ये 70 kg आलू, लगभग 70 kg। ये देखिए लगभग 70 kg सिर्फ आलू है। तो बताइए यहाँ पे ये बिरयानी कितना बनता होगा। तो ये देखिए इनका ये चिकन आ गया है और इसको अच्छे से साफ कर रहे हैं। तो ये लगभग कितना चिकन है? 80 kg। 80 kg। तो ये देखिए तेल गर्म होने के बाद इसमें प्याज डाल दिए हैं। ये गर्म मसाला डाल रहे हैं? दालचीनी। यार डालने के बाद इसमें दालचीनी डाले। लगभग तेल इसमें कितना यूज़ किया है अभी? 5 kg। इसमें 5 kg तेल डाले, उसके बाद प्याज डाले, लगभग 1 kg प्याज डाले। हाँ 1 kg प्याज, उसके बाद दालचीनी। अभी आ गया इलायची। जी भाई, इतना सारा इसमें इलायची डाला गया है। ये लहसुन का पेस्ट? हाँ लहसुन, नहीं आदू लहसुन, अदरक और लहसुन दोनों है इसमें। देखिए इतना ये 3 बाल्टीन है, तीनों बाल्टीन इसमें डालते हैं। 90 kg एक बार में यहाँ पे ये तैयार होता है। तो आ गया ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 बाल्टी अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। तो अभी ये देखिए इसमें नमक डाल रहे हैं, नमक अभी ही डाल देते हैं। हाँ लगभग कितना नमक लगता होगा इसमें? 3 पाव नमक। 3 पाव। और फिर चावल में भी डलता है, चिकन में, सब में मैरिनेट करने पड़ता है। हाँ सब में है ना, सब में बराबर कर देंगे अलग अलग चीज़। हाँ तीनों सब चीज़ में, चिकन में भी डलेगा, चावल में भी डलेगा, अभी पर उसके बाद चिकन में भी अलग से पड़ेगा। हाँ उसके बाद ये चावल में। हाँ चावल। अच्छा ये क्या डाल रहे हैं? ये भी कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च है। कितना डालते हैं? ये बोले ना 400 ग्राम। 400 ग्राम डालते हैं इसमें, 400 ग्राम कश्मीरी मिर्च डालते हैं। यानी ये 50 ग्राम का पैकेट है, एक बार में 8 पैकेट इसमें डालते हैं। तो इधर देखिए ये आलू हो गया फ्राई। हाँ ये फ्राई करते हैं या उबालते हैं? फ्राई करते हैं। फ्राई करते हैं। हाँ ये अभी आधा फ्राई हुआ, आधा हांडी में जाएगा बिरयानी। इधर फ्राई होगा, आधा इसको ढकते हैं। हाँ पानी भी डाले? हाँ पानी डालो। पानी डालने के बाद ढकते हैं। कौन घंटा लगेगा इसको? अब ये मसाला सीजते रहेगा। लगा ये प्रोसेस कितना देर का होता है चिकन? अभी 1 घंटा का प्रोसेस। 1 घंटा और लगेगा अभी टोटल प्रोसेस? हाँ टोटल प्रोसेस। तो ये देखिए अब इसमें ये दही डाल रहे हैं। जी भाई। कितना दही डालते हैं? हाँ 3 kg। 3 kg दही डालते हैं। लगभग यहाँ पे 90 kg ये बिरयानी होता है, इसमें 3 kg दही डालते हैं। दही कौन सा होता है? खट्टा दही। खट्टा दही होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है ताकि इसमें खट्टापन आए। हाँ अच्छा ये क्या है? ये प्याज का फ्राई है। प्याज का फ्राई है ये सब? और कुछ मसाला है? नहीं और कुछ। प्याज का फ्राई करके उसको पेस्ट बना दिया। हाँ पेस्ट बना के। अच्छा ये चिकन फ्राई करेंगे अब? हाँ जी। इसमें नमक पहले डाल देते हैं। हाँ और क्या क्या डालते हैं? नमक है, जाफरानी रंग है, एक नींबू है। अभी आ गया नींबू। हाँ नींबू आ गया। बस इतना नींबू डालिएगा क्या? एक नींबू डलाता है इसके लिए। तो चलिए ये चिकन फ्राई होने लगा है। हाँ ये चिकन फ्राई। तो हाफ फ्राई करते होंगे अभी? अभी हाफ फ्राई। उसके बाद फिर मसाला में जाने के बाद होता है? हाँ मसाला में जाने के। देखिए इसमें मसाला को अच्छे से फ्राई करने के बाद पूरा हांडी को ये पानी से भर दिया गया है। अब इसको उबालेंगे, उसके बाद इधर चिकन फ्राई कर रहे हैं। उसे इसमें देखिए दही डालने के बाद पानी डाले थे, उसके बाद ये दूध डाल रहे हैं। हाँ दूध। दूध कितना डालते हैं? 6 kg। 6 kg दूध इसमें डालते हैं। तो इसमें अभी 6 kg दूध डालेंगे। पूरा हांडी को जो है पानी से भर दिया गया है, ये 2 kg आ गया और पूरे 6 kg यहाँ पे ये दूध डाला जाता है। तो ये इसमें चिकन डाल रहे हैं? कितना चिकन डालेंगे? 85 pieces है। 85 pieces। तो ये आ गया चिकन 10 kg। 10 kg। ये देखिए इसमें चिकन डालने के बाद 85 pieces चिकन डाले, उसके बाद ये आलू डाल दिए। आलू कितना पीस है? 90 pieces। 90 pieces यानी कि लगभग सेम क्वांटिटी में डाले हैं आलू। अच्छा ये चावल बना रहे हैं? हाँ क्या क्या डाले हैं इसमें? इलायची है, दालचीनी है, नमक है, बस ये 3 चीज़ डालते हैं इसमें। ये क्या कर रहे हैं? ये ऊपर का ग्रेवी है जो रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल इसको निकाल देंगे। हाँ
उसके बाद जो मसाला बचेगा वो जाएगा हांडी में, वो जाएगा बिरयानी में। हाँ ये ऊपर से जाएगा। हाँ ऊपर से जाएगा। हाँ ये चावल के ऊपर से जाएगा, ये चावल के ऊपर से डालेंगे और नीचे मसाला डालेंगे। हाँ ये क्या है फ्लेवर, ये बिरयानी का। हाँ बिरयानी का फ्लेवर इसमें डालिए, थोड़ा थोड़ा डाल। हाँ हल्का, यहाँ फ्लेवर, यहाँ ज़्यादा फ्लेवर नहीं चलता, हल्का सा। केवड़ा जल, केवड़े, हाँ केवड़ा, केवड़ा केवड़ा, इसका क्या काम होता है? ये भी फ्लेवर, फ्लेवर ही है। ओ इसे ये, अब ये गुलाब जल, गुलाब जल, ये गरम, गरम मसाला, ये खुद का बनाया है। क्या? ये खुद का घर का बनाया, खुद का अपना बना हुआ। हाँ ये खुद का इनका अपना बना हुआ गरम मसाला आप डाल दिए। हांडी को उतारने के बाद ये डालें, ये हल्का चीनी, हल्का चीनी भी डालते हैं। हाँ हल्का चीनी, ये मसाला में ही डालते हैं। हाँ मसाला ही डाल, ये तो गल जाता होगा चीनी। हाँ ये पूरा गल जाएगा। ये देखिए सभी मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाया जा रहा है फिर, और इसका कलर देखिए हल्का उजला हो गया है नीचे से, और ऊपर में जो ये रिफाइंड तेल था उसको उसमें निकाल लिया गया है। उसके बाद इस मसाला को तैयार किया गया है। ये नींबू इसमें भी डालते हैं? हाँ नींबू डालते हैं। कितना नींबू इसमें डालेंगे? इसमें 10 नींबू भी डालेंगे। ये देखिए नींबू का रस निकाल रहे हैं, इसमें 10 नींबू का रस अभी डालेंगे लगभग। ये कितना मसाला है अभी? 90 kg। हाँ 90 kg मसाला में 10 नींबू। ये मसाला जो है टोटल कितना बिरयानी में यूज हो जाएगा? 90 kg मसाला डलेगा, 90 kg चिकन डलेगा, 90 kg आलू डलेगा, 90 kg चिकन, 90 kg फिर चावल, 90 kg तो 300 kg से ऊपर हो जा रहा है, 350 kg। तो अब देखिए ये चिकन आलू डालने के बाद इसमें ये मसाला डाल रहे हैं, मसाला को अच्छे से मिला रहे हैं। उसके बाद इसमें मसाला डालिएगा जी। लगभग कितना मसाला डालेंगे इसमें? 5.5 टब्बू डालेंगे। 5 टब्बू यानी लगभग 5 kg मसाला अभी डाल रहे हैं। गरम मसाला डाल रहे हैं उसमें? हाँ जी गरम मसाला उसमें अलग से डाल रहे हैं, इसमें मसाला में डाले थे लेकिन अब इसमें डाल रहे हैं। ये मसाला में डालने के बाद भी उसमें डालते हैं जी? ब्राउन कर रहे हैं ना? क्या? प्याज कर ब्राउन किए थे वही डाल, वो डाल रहे हैं अब। ये गरम मसाला डालने के बाद जी, ये क्या है? ये आलू बुखारा है। हाँ इसको क्या करेंगे? इसे खट्टा मीठा लगता है खाने। हाँ ये टेस्ट बढ़ाता है। हाँ ये चावल में डालते हैं? नहीं ये मसाला के ऊपर। और आलू बुखारा जी वो इसमें डाल दिए। कितना पीस डालते हैं? 6 पीस डालते हैं। 6 पीस, 5 पीस, 6 पीस। 5 से 6 पीस डालते हैं, वो भी 80-85 पीस चिकन में। ये चावल तैयार हो गया मसाला का। ये चावल तैयार होने के बाद डायरेक्ट मसाला में? डायरेक्ट मसाला में ये आ गया चावल। देखिए ये मसाला में अब डाल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से डाल रहे हैं, और इस चावल को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जितना देर में ये मसाला इनका तैयार हुआ उतना देर में इनका चिकन फ्राई हो गया, ये चावल तैयार हो गया, सारा काम हो गया। लेकिन मसाला को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे भून रहे थे। ये कितना चावल इसमें अभी डालेंगे? इसमें 9 kg चावल, 9 kg डालेंगे। और इतना इतना मात्रा में कितने बार बन जाता है? वही 8-9 बार। ये देखिए आ गया चावल इनका, चावल का क्वालिटी देखिए, इधर देखिए अभी भी ये चिकन फ्राई हो रहा है, वहाँ पे चिकन फ्राई होके रखा हुआ है और वहाँ दूसरे हांडी में बनने के लिए मसाला तैयार हो रहा है, और इधर ये चावल डाल दिए हैं चिकन बिरयानी में। तो अब ये देखिए इसमें चिकन डालने के बाद इसको फिर ये गैस पे चढ़ा दिए। कितना देर इस पे रखिएगा? 20 मिनट इसको फ्राई करना है इसके। अब इसको 20 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। सारा चीज़ डाल दिए हैं, चावल भी डाल दिए हैं। अब ये क्या डाल रहे हैं? कलर? हाँ कलर डाल दिया है ऊपर से। अच्छा इसमें से जो वो तेल निकाले थे वो अब डाले? हाँ ऊपर मसाला में से जो तेल निकाले थे अब ये ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे तक ये भींग जाएगा। और कलर देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो फिर चावल के ऊपर ये कलर डाले हैं और थोड़ा सा उसके बाद ये मसाला का तेल। तो चलिए ये देखिए यहाँ का ये बिरयानी बन के रेडी हो गया है। तो ये क्या डाल रहे हैं अब? घी डाल रहे भाई। और कुछ डालेंगे? नहीं अब कुछ रेडी। तो ये देखिए इनका जैसे ही चिकन बिरयानी बन के रेडी हुआ यहाँ पे लोग खाने के लिए आ गए, और यहाँ से आपको ये टोकन लेना होता है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टोकन का सिस्टम है। तो आपको टोकन मिलेगा उसके बाद ही आप वहाँ से चिकन बिरयानी ले सकते हैं। तो सर ये कोलकाता बिरयानी का आप ओनर हैं? जी जी।
ये कितना पुराना है, कितना दिन से? 5 साल होने जा रहा है। 5 साल होने जा रहा है। और कितने बजे से कितने बजे तक आपका ये रहता है? सुबह का 12:30 से रात 10:30। 12:30 बजे से खिलाना स्टार्ट करते हैं। और ये बनाना कब स्टार्ट करते हैं? बनाना सुबह 8 बजे से। 8 बजे से बनाना का स्टार्ट करते हैं, 12 बजे तक मिले डेली। एक दिन में कितना लगभग यहाँ पे निकल रहा है? एक दिन में 100 किलो। 100 किलो ये चावल यानी कि लगभग 850-900 प्लेट 800-900 प्लेट डेली का निकल जा रहा है। अच्छा सर, आप यहीं से हैं क्या? जी हाँ, यहीं से। यहीं से हम लोग का ये विलेज हुआ यहाँ गया डिस्ट्रिक्ट से। और ये चिकन का बिरयानी का रेट क्या होता है एक प्लेट का? चिकन बिरयानी का रेट एकदम सस्ता है। चिकन, अंडा, आलू, चावल मिला के 100 रुपया 100 रुपया। 140 ग्राम का पीस होता है, बड़ा साइज का। पूरा पटना में ऐसा साइज नहीं मिलेगा। तो चलिए, मेरे लिए यहाँ पे प्लेट लग गया है। कोलकाता बिरयानी पटना का बहुत ही फेमस बिरयानी है और यहाँ का जो टेस्ट होता है सुने काफ़ी बढ़िया होता है, तो हम भी टेस्ट करेंगे। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या मिला है। एक अंडा मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये पीस देखिए, वो पहले ही बोल दिए थे कि हमको लेग पीस चाहिए तो लेग पीस डाल दिए हैं। और यहाँ जो है आपको टोकन लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टोकन लेना पड़ता है। तो हम टोकन लिए थे, बैठ के इंतजार कर रहे थे, उसके बाद ये हमारा प्लेट लग के रेडी हो गया है, जिसमें कि एक पीस आलू भी है। यहाँ पे देखिए फ्राई किया हुआ आलू। चावल का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इसमें से जो खुशबू आ रहा है एक नंबर, बहुत ही गजब। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए ये अब रायता भी आ गया, रायता उस समय नहीं दिए थे तो ये आ गया रायता। तो सबसे पहले हम क्या टेस्ट करेंगे, उसमें है अंडा, अंडा टेस्ट करेंगे। उसके बाद पहले थोड़ा सा चावल लेते हैं, देखते हैं इसमें मसाला जो बहुत देर से यानी लगभग 2 घंटा उनको मसाला बनाने में लग गया था, तो देखते हैं मसाला में कैसा टेस्ट है। तो इसे तो हमको खाना पड़ेगा हाथ से। ये आ गया देखिए मसाला चम्मच से, एकदम स्पेशल। और जगह आपको ऐसा मसाला मसालेदार चिकन बिरयानी खाने को नहीं मिलेगा जैसा यहाँ आपको मिल रहा है। थोड़ा सा तीखा लग रहा है, स्पाइसी भी है। तो चलिए आप अच्छा अंडा के साथ में लेते हैं। अंडा के साथ में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ये देखिए अंडा आ गया, थोड़ा सा हम हाथ से ही खाएंगे, चम्मच से ये सभी खाने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो इसलिए हम हाथ से खाएंगे। ये आ गया अंडा और थोड़ा सा चावल। अंडा पर तो अंडा जो आता है वो ये मसाला जो इसका है वो है। अब हम क्या करेंगे, आलू को टेस्ट करेंगे। तो ये आ गया आलू, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, अंडा गर्म नहीं है लेकिन ये आलू गर्म है। तो गर्मा गर्म यहाँ पे दिया जा रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे खाने के लिए। तो ये आ गया आलू और थोड़ा सा चावल। भाई साहब असली स्वाद इसमें बचा हुआ है, हमको लगा नॉर्मल ये आलू में स्वाद जो होता है वो होगा, वो नहीं है, एकदम स्पेशल स्वाद आपको इसमें मिलेगा आलू में। अब हम थोड़ा सा चिकन को भी टेस्ट करेंगे। तो ये आ गया अपना चिकन, अब थोड़ा सा चावल और चिकन देखिए कितना बढ़िया से ये पका हुआ है, ये लेग पीस है और बहुत ही बढ़िया से ये पका हुआ है। ओहो, इसको फ्राई किए थे और फ्राई करने के बाद 20 मिनट तक हांडी में सभी चीज़ डाल के 20 मिनट तक ढक के रखे थे, जिससे ये जो है ना बहुत अच्छे से पक गया और अच्छे से ये पिघल रहा है। देखिए आराम से ऐसे कर रहे टूट जा रहा है, लेकिन अगर ये पका नहीं रहता ना तो ये इसके साथ में उठ जाता पीस, लेकिन पीस नहीं उठ रहा है, ये निकल जा रहा है आराम से। तो ये लेते हैं और उसके बाद हम खाते हैं। ये आ गया भाई साहब अपना, काफ़ी टेस्टी है यहाँ का चिकन बिरयानी, जिसके वजह से यहाँ पे जो है एक दिन में 300-350 kg चिकन बिरयानी सेल हो जाता है। और जैसे ही बन के रेडी हुआ है पूरा के पूरा खचाखच भरा हुआ है भीड़ से, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है टोकन दे रहे हैं। तो चलिए इस प्लेट को हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। और बाहर जाके आपको यहाँ का पूरा एड्रेस भी बताते हैं, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ का एड्रेस बता देते हैं, आपको आना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। ये पटना में मछुआ टोली है, यहाँ पर आपको ये कोलकाता बिरयानी के नाम से मिल जाएगा, बहुत ही फेमस है पूरे पटना में।
तो अगर आप बिरयानी का शौकीन है और बिरयानी खाना चाहते हैं तो यहाँ आके खा सकते हैं, अच्छा स्वाद हमको मिला है।